पत्रिका डॉट कॉम की खास सीरीज मेरे राम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस शहर की जहां भगवान राम की पूजा तो होती ही है, साथ ही साथ रावण भी पूजा जाता है। रावण की बात इसलिए क्योंकि राम की बात हो और रावण का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। यह है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। मंदसौर ही वो जगह है जहाँ राम के साथ रावण की भी पूजा की जाती है और इसकी वजह है रावण का मंदसौर का दामाद होना। केवदंती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की ही बेटी थी, इसलिए आज भी यहाँ पर रावण को दामाद माना जाता है। कुछ ग्रंथों में ऐसा जिक्र भी मिलता है कि मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। कालिदास की अमर रचना मेघदूत में दसपुर शहर का नाम आता है। कुछ स्थानों पर यह मान्यता भी है कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है। मंदसौर शहर के खानपुरा में रावण की 41 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है जिसकी रोजाना पूजा अर्चना की जाती है। एक खास बात तो ये भी है कि यहाँ रावण की प्रतिमा के सामने महिलाएं बिना घूंघट के नहीं जाती हैं। बताया तो ये भी जाता है कि मंदसौर में 200 सालों से भी अधिक समय से रावण की पूजा की जाती है। पहले यहाँ पर रावण की पुरानी मूर्ति थी जिसे कुछ साल पहले नए स्वरूप में स्थापित किया गया। वैसे तो रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन भी कहा जाता था, लेकिन मंदसौर के खानपुरा में स्थित रावण की मूर्ति के 9 सिर हैं और मुख्य सिर के ऊपर गधे का सिर भी लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 सिर होने के बावजूद रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उसने माता सीता का हरण किया था, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होने के प्रतीक स्वरूप यहाँ रावण के मुख्य सिर पर गधे का सिर लगाया गया है। मंदसौर में रावण की पूजा के पीछे जो मान्यताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए रावण मंदसौर का दामाद था। रावण की पूजा करने से रोगों से दूर रहने के साथ मनोकामना पूरे होने की मान्यता है। रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियां दूर होती हैं, ऐसी भी यहां पर मान्यता है।